अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ और आज आपसे शेयर करूंगी रेसिपी अचार की। तो आज जो है पूरी व्लॉग आपने गौर से देखनी है और मज़ेदार सा अचार बनाना है। तो सानिया हामिद व्लॉग जो है पूरी वॉच करनी है। तो यहाँ जो है आ जाते हैं तैयारी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना अचार बनाना। तो ये एक ही दिन में जो है सारा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें कि अचार हमारा गलेगा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने रात को ही इनको धो के रख दिया था, कैरियों को और लिसोड़ों को। तो ये जो है ना हमारे लिसोड़े और कैरियाँ धुल चुकी हैं, वॉश हो चुकी हैं अच्छे से, इसके अंदर से पानी भी ड्राई हो चुका है। तो लिसोड़ों का थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर इसके अंदर नीचे रह गया था तो वो मैं ड्राई कर लूंगी। लास्ट में मुझे पता चला था कि नीचे नीचे जो है वो हल्का हल्का सा पानी था, तो बस फिर मैंने जो है, क्योंकि इनके ऊपर कैप लगा हुआ होता है तो उसके अंदर से पानी जो है वो ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने फैला के नहीं रखा था। रात भर फिर ये होता है कीड़े मकोड़े वगैरह चलते हैं तो फिर कुछ चीज़ लग ना जाए, तो इसलिए मैंने बास्केट के अंदर ही रख दिया था। तो इसलिए नीचे नीचे जो थे वो लहसुए जो थे ना वो हमारे थोड़े से गीले गीले थे, तो मैंने फैला दिया था, पंखा खोल दिया था। कोई टेंशन की बात नहीं थी क्योंकि इतनी शदीद कोई गर्मी हो रही है तो फिर ये ड्राई होने में बहुत कोई टाइम नहीं ले रहे, चंद सेकंड्स के अंदर जो है चीज़ें सूख के बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। यहाँ जो है मैं कैरियों को बिल्कुल छोटे साइज़ में काटूंगी, बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़ा नहीं काटना, आपने अपने हिसाब से ही काट लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा इसलिए रखूँगी कि बस जल्दी से जो है ये रेडी हो जाए हमारा अचार और हम जो है 7 डेज़ के अंदर ये बस खा लें और ये रेडी हो जाए हमारा 7 डेज़ के अंदर। तकरीबन मैक्सिमम तो ये 7 डेज़ रहता है लेकिन मिनिमम ये 3 डेज़ के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये हमारा अचार पक जाता है। अच्छा, जहाँ जो है खुली छतें और जो टेरिस होते हैं ना उनके घर में तो ये 7 डेज़ नहीं लेंगे, 3 डेज़ के अंदर ही अचार जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये क्या हमारे यहाँ तो फिर गेड़ली के अंदर 2 घंटे की धूप आती है तो मुझे जो है सिर्फ 2 घंटे ही लगानी पड़ेगी धूप, तो 7 डेज़ ऑलमोस्ट मेरा अचार जो है वो बन के रेडी होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का अचार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना इसके अंदर जो है लकड़ी की डोई से चम्मच चलाना है इसको, कभी भी जो है आपने स्टील का चम्मच यूज़ नहीं कीजिएगा, कोई भी मेटेलिक चम्मच नहीं यूज़ कीजिएगा और ना ही जो है चम्मच को इसके अंदर छोड़िएगा, चाहे वो लकड़ी की डोई क्यों ना हो। आपने लकड़ी की डोई से भी निकालने के बाद जो है ना उसको बाहर ही निकाल के रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसको अंदर छोड़ देते हैं स्पून वगैरह को, तो फंगस लग जाता है, फिर हर तरीके के हाथ लग जाते हैं। तो जब भी आप चम्मच डालें, साफ़ सुथरा डालें अचार में, और इसी तरीके से जब भी हमने जो है अचार को चलाना है ना तो साफ़ सुथरा करके चलाना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं नमक लगा के इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। हमारी गैलरी में जो है वॉशिंग मशीन पर बहुत तेज़ वाली धूप आ रही होती है, तो ये अभी जो टाइम है ना 11 और 12 के बीच का है, तो यहाँ पर इस वक्त बहुत तेज़ वाली धूप आ रही थी तो मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने 1:30 बजे जो है इसको जब हटाया तो इसके नीचे जो है ना तकरीबन 1/4 के करीब जो है पानी इन्होंने रिड्यूस कर दिया था, और 1 किलो कैरी का इतना ही कोई पानी निकलेगा, उसके बाद तो इसका ड्राई होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वो फिर मैंने नहीं किया उसको, मैंने फिर वैसे भी ऑलरेडी फ्राई करना था। अच्छा, यहाँ जो है मैं जो लिसोड़े हैं ना उनको चेक कर रही थी कि कोई गंदे या फिर काले से ना हो, तो बस उसको जो है मैंने फैला दिया था क्योंकि मुझे नीचे थोड़ा बहुत पानी महसूस हुआ, तो फिर क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए हमारी दोनों चीज़ें, पानी का कोई भी सीन नहीं होना चाहिए अचार में वरना आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन खैर है कि इतनी शदीद गर्मी है ना तो मुझे नहीं लगता कि अचार ने तो पकना ही पकना है हर हाल में। यहाँ जो है मैंने कढ़ाई को मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था और जो है इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, बिल्कुल 4 से 5 टेबल स्पून के करीब आपको ऑयल चाहिए। जो है पकाना नहीं है इसको, सिर्फ हमने तलना है हल्का सा, 3 से 2 मिनट के बीच जो है हमने सिर्फ इसको जो है हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये कि ये अपने थोड़ा सा कलर चेंज कर ले और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ऊपर से, तो बस हमने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे मैं हाथ से नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब, या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था मैंने क्योंकि अच्छे से जो है इसके अंदर जज्ब हो जाएगा नमक, तो हमारे लिसोड़े जो है वो फीके फीके नहीं रहेंगे जब हम ऑयल में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है एक बात का ख्याल रखना है, जो कैप उतर जाए इनके वो चलेगा, लेकिन ये कि आपने सारे कैप नहीं उतारने लिसोड़ों के, आपने कोशिश यही करनी है कि इनके कैप जो है वो लगे रहें, उसके बाद हमने कैप उतारने, वरना क्या होगा कि हमारा सारा जो लेस है ना वो सारे लिसोड़ों का वो बाहर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है हल्के हल्के हाथ से आपने जो है लिसोड़ों को जो है वो फ्राई कर लेना है, और लहसुए जो है ना आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, कच्चे लेने हैं जो कि हरे हरे आते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के, पीले नहीं लेने, उससे क्या होता है फिर वो अपना लेस रिड्यूस कर देते हैं तो पूरा अचार जो होता है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ जो है मैंने उनको ठंडा करने के लिए रख दिया, इतने जो है देखें यहाँ पर हो गए थे तकरीबन 2 घंटे के करीब हमारी कैरियों को बाहर रखे हुए, और ये पानी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो हमें इन्हें ड्राई नहीं करना। अच्छा, पूरी ओवरनाइट के लिए अक्सर
मैं ड्राई, पहले जब मैंने अचार डाला था तो मैंने किया था, तो उससे क्या होता कि छिलके जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसे हो गए थे, अकड़ से गए थे, हमारी कैनियाँ जो है ना वो अकड़ जाती हैं, फिर गलती नहीं है। तो आपने बस ये प्रोसेस जो है वो फ़ौरन से करना है, क्योंकि इतनी मई की गर्मी पड़ रही है तो ये गल जाएगा हमारा अचार। कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको जो है फ्राई ही करना है हमने कैरियों को भी। यहाँ पर अब हम कैरियों के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे 4 टेबल स्पून के करीब, उसी वाली कढ़ाई में, कोई बर्तन ज़्यादा जो है आपने भरना नहीं है, उसी कढ़ाई को आप रख दिएगा ढक के, जब तक हमारी कैरियाँ जो है वो धूप में सूखेंगी ना, तो आपने इसी वाली कढ़ाई में जो है आपने इसको फ्राई करना है जिसमें हमने निसोड़े फ्राई करे थे। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब, और नमक इसके अंदर ऑलरेडी हमने लगा के रखा था, जो पानी रिड्यूस किया था नमक लगा के, बस उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा आप डाल देंगे तो कैरियों के अंदर जो है नमक फिर कड़वा हो जाएगा। नमक पे हाथ बहुत कंट्रोल करके डालना है, ऐसा ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यही रहा था कि मैंने जो है पूरी की पूरी 1 किलो की थैली डाल दी थी ना 2.5 किलो के अचार में, इतना कोई तेज़ हो गया था नमक, वो बस मिस मेजरमेंट हो गई थी मुझसे। तो मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नमक का ख़ास तौर से। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। कलवंजी जो है वो मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून, कलवंजी मैंने ज़्यादा नहीं ली, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हल्दी जो है मैंने 2 टेबल स्पून ही ली है, क्योंकि उसी की ही थोड़ी सी मिकदार मैंने लहसुनों में शामिल की है और उसी की ही थोड़ी मिकदार मैंने कैरियों में शामिल की है, तो उसी को ही जो 2 टेबल स्पून आप लेंगे ना उसी की निकाल के थोड़ी थोड़ी आप डालेंगे। बहुत ज़्यादा पीला जर्द भी नहीं बनाना हमने अचार, क्योंकि हम जब बाहर का भी खाते हैं तो वो लोग इतनी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा पीला और फिर वो हाथ भी गंदे हो रहे होते हैं, हर चीज़ पे हल्दी के निशान आ जाते हैं। तो बस हमने जो है क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, हर चीज़ अपनी एक मिकदार में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने लहसुनों को भी फ्राई करके जो निकाला था उसकी सफाई कर लेंगे, उसके सारे कैप हटा लेंगे, तिनके वगैरह सब साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये धुले हुए हैं तो कोई ख़राब नहीं है ये तेल। अब हमारा सारा हमें इसको स्पैचुला की मदद से इस पूरी ट्रे को जो है साफ करके, जिस बास्केट जिस भी बास्केट बकेट में आप डालें या फिर मर्तबान में डालें आप, तो आप उसके अंदर इसको शामिल कर लिएगा, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा इस वाले ऑयल को। तो बस यहाँ पे कैरियाँ भी मैंने फ्राई कर ली थी और मैं एक ही बर्तन के अंदर इन दोनों चीज़ों को ठंडा कर लूँगी। और हाँ, आपने एक बात का ख्याल ख़ास तौर से रखना है कि आप जब ये अचार डालें तो इर्द गिर्द कोई भी गंदे हाथ ना लगाए, कोई आए ना बाहर से, बस अनटोक ये अचार डालना है आपने, और साफ़ सुथरा पाक साफ होके इस अचार को हाथ लगाइएगा, और जब भी आप निकालें तो इसी वाले रूल को फॉलो करिएगा, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखें कितना अच्छा अभी से ही जो है ना हमारे अचार का कलर आया है। तो इसको जो है मैं, मेरे पास जो है प्लास्टिक की बकेट है, आप लोगों के पास कांच का मर्तबान और कांच की कोई इस तरीके का जार हो बड़ा सा, आप लोग उसके अंदर डाल लिएगा। वैसे तो कोई इशू नहीं है कि आप प्लास्टिक में डालें तो कहीं ये ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसका आधा प्रोसेस जो है वो हमने फ्राई करके कर लिया है, तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। बस आपने करना वो ये कि पाक साफ होके साफ़ सुथरे हाथ डालने हैं, और चम्मच भी जो है हर बार जब यूज़ करें आप तो साफ़ सुथरा इसके अंदर यूज़ कीजिएगा। तो ये वाला ऑयल भी मैं इसी के अंदर ही डाल दूँगी। ये हमारा अचार तकरीबन अब हो गया है हाफ डन, हाफ जो होगा ये हमारा 7 डेज के अंदर पूरा अचार पक जाएगा, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये सारे मसाले जात चाहे तो आप इनको हल्का सा एक दरदरा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साबुत ही रखूँगी। मैंने धनिया कूट लिया था, उसके अलावा जो है सारी चीज़ें इसमें साबुत ही यूज़ की हैं, क्योंकि अचार का जो मज़ा आता है ना वो साबुत मसाले से ही आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना गल जाएगा कि ये खुद ही नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ जो है मैं डालूंगी इसके अंदर सरसों का ऑयल, ऑयल मैंने कोई गर्म नहीं किया, इतनी शदीद गर्मी है ये खुद ही पक जाएगा। यहाँ पे कच्चे ऑयल का इस्तेमाल करना है, खुशबूदार अचार आपको चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेकिन अचार आपका जो है पक के बहुत खुशबूदार बनेगा, बिल्कुल नहीं पकाइएगा, धूप के अंदर इसको रखना है तो ये पक जाएगा। अच्छा जी, यहाँ जो है हमारा अचार तकरीबन हो गया रेडी। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट के अंदर नमक बिल्कुल नहीं लिया, कैरियों में और सिर्फ जो लहसुनों में लगाया था वही नमक डाला था, तो मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून के करीब जो है नमक शामिल कर दूंगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। नमक की जो क्वांटिटी है वो आपने हाथ हल्का ही रखना है, क्योंकि नमक का ऑप्शन है कि हमारे पास हम कम हो तो डाल सकते हैं। आज की रेसिपी जो थी वो अचार की रेसिपी थी, तो आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी अचार की कैसी लगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कल नई रेसिपी के साथ। अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे कल, तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।